everyone and welcome back to our channel Charming Kira and Charming Kira. So today we are going to Okotoks channel. नहीं sorry Cochrane. हम last time गए थे ice cream खाने के लिए, but इस time we are going for coffee. क्योंकि last time जब हम ice cream खाने गए थे तो हमने वहाँ पे एक book store में coffee try की थी. क्या नाम था? Found book store. Amazing coffee थी, amazing ambience था. लेकिन उस दिन ये पीछे वाली हमारी थोड़ी cranky थी और इसने हमें enjoy नहीं करने दिया था. तो उसी दिन हमने सोच लिया था कि एक बार और आएंगे, सिर्फ कॉफ़ी के लिए आराम से chill करके जाएंगे. तो hopefully आज वो दिन है, बाकी देखते हैं जैसा माहौल रहेगा वैसा डिसाइड करते रहेंगे. जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपना बुक स्टोर. तो यहाँ पहुँच के पहला थॉट यही है कि बिल्कुल अलग लग रहा है, बिकॉज लास्ट टाइम हम आए थे तो पूरी ग्रीनरी थी और अभी पूरा उजड़ा हुआ है. क्या कहना है जितिन तुम्हारा इस बारे में? इस बार प्यारा लग रहा है, लास्ट टाइम हरा था, इस टाइम भी प्यारा लग रहा है. तो मैं भी देखूं. अरे हाँ यार, बहुत अलग लग रहा है. मैं दिखाऊं? ये देखो. अरे कैमरा कहाँ है मेरा? कैमरा फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ. ओ तेरी सॉरी. और थोड़ा ऐसा दिख रहा है तो थोड़ा सा फिल्टर लग जाता है. अच्छा लग रहा है दोनों तरह. समझ में आई है? कोई भी सिटी यहाँ देख के मत बोलो देख लिया. हर सीजन में उसे देखेंगे तब कह सकते हैं हाँ देख लिया. एवरी सीजन इज डिफरेंट. फेमस मैकेस, लेकिन यहाँ पे हम आज नहीं जा रहे हैं. नॉट सपोज टू गो देयर, बट फियोना ने ये शॉप पहचान ली और शी वांटेड दिस. और फिर वहाँ पे ये पम्पकिन स्पेशल फ्लेवर लगा था, हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं. Which he is not liking. Try it. कद्दू. Season है भाई. This is the cafe जहाँ हमें जाना है, मगर हमें wait करना है. Delicious, delicious. Okay, then we'll take you from here. Okay? No. Okay? No. Look. There's some stairs. Yeah. So before I left Winnipeg, I had This street is really nice. अभी थोड़ा सा हम आज चलेंगे और explore करेंगे Cochrane को. Most of the streets are like this only. No,
क्यूट कॉफी शॉप, पहले देखते और ओपन होती तो ज़रूर ट्राई करते। और हम यहाँ आए, एक मार्केट है देखो, मेहताब रेस्टोरेंट, यहाँ भी इंडियन रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है। छोटा सा टाउन है मगर बहुत ही क्यूट बना हुआ है। ये कैसी स्माइल है, वेयर दिस देन यू विल बी एबल टू स्माइल। ये आई थिंक कोई पेट है ना, पेट्स शॉप है, पेट फूड। तो इन्होंने बाहर ऐसा बेंच डेडिकेटेड टू पेट्स, यानी सिट विद हर, मैचिंग सनग्लासेस। Yeah, no, put your hand down. What we have spotted, ये deer है क्या? हाँ मैंने zoom करा है, ये देखो deer है क्या? Fiona spotted. मैंने कहा ऐसे ही बोल रही है एनिमल आ रही। एक और इधर से आया है, रोड क्रॉस करने लगा है। हमें यहाँ जाना था सड़क के उस पार, हम इस पार हैं। Deer ही लग रहा है मुझे तो, पता नहीं बाकी कुछ और कहते हो। रस्टिक मार्केट स्क्वायर, यहाँ पे एक टी शॉप है। अब चाय तो पियेंगे नहीं, लेकिन ये बहुत क्यूट सा एक मार्केट प्लाजा सा है। सो आई थॉट व्हाई नॉट, एक चक्कर ही मार जाते हैं। हम लोग थोड़ा यहाँ आ गए हैं, कार में आए हैं इस बार, हमने कहा पास से देख लें। ये देखो घास चल रहे हैं आराम से, जैसे रोज का काम हो इनका। शॉर्ट ट्रिप टू कोकरेन, और अब हम वापस जा रहे हैं कैलगरी, और देखते हैं क्या करना है। ये लड़की सो गई है एक्चुअली। फाइनली सोया हुआ बच्चा लेके हम घर ही आ गए हैं, एंड विद दिस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल ट्रैवलिंग कीरा। बाय बाय। Thank you.